अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपसे कुछ देर रोज़ पहले कहा था कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत आप सबके सामने पेश की जाए, तो शुरुआत की है आज ही के दिन से और आज है पीर का दिन। तो इंशाल्लाह ये हर हफ्ते पीर के दिन आपके सामने ये वीडियो आएगा जिसमें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के ताल्लुक से बयान करेंगे। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जानना कितना ज़रूरी है। इंसान के लिए अपना जानना और अपनी ज़ात का जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानना ज़रूरी है। वो इसलिए कि इंसान के दिल में जो वजूद ईमानी है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आफ्ताब नबूवत यानी नबूवत के सूरज का एक अक्स और एक परतो है। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते, अगर हम उनसे अलयाज बिल्ला सरफ नज़र कर लेते हैं, तो फिर हमारे जो अंदर जो ईमान है उसकी कोई हकीकत नहीं रह जाती है, क्योंकि ईमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर कामिल ही नहीं होता। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, जो ज़ात बाबरकात है, वो मोमिनीन के लिए मोमिनीन के जानों से भी ज़्यादा करीब है, इसी वजह से फरमाया गया। तो लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज से सीरत मुस्तफ़ा को, और मैं आपको तफसील के साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन इसमें से बहुत शॉर्ट शॉर्ट और खुलासतन इम्पोर्टेंट बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। आज की इस क्लिप में हम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब के बारे में बयान करेंगे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ऊपर, यानी वालिदैन के वालिदैन, यानी वालिद दादा परदादा, फिर ऊपर तक इसी तरह माँ नाना परनाना, इसको हम बोलते हैं सिलसिले नसब। तो हम इसको बयान करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसके ताल्लुक से लोगों में कुछ बातें हैं उसको भी हम क्लियर करेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम को फ़ा के फतेह के साथ मिन अनफसिकुम पढ़ा, और ये तिलावत करने के बाद फरमाया कि मैं सबसे बेहतर हूँ हसब और नसब के एतबार से, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मेरे वालिदैन में से किसी ने भी जिना नहीं किया। ये एक बात बयान कर दी कि मेरा हसब नसब जो सबसे आला है तुम पर, उसकी एक वजह क्या है। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसमें से एक वजह ये बयान फरमाई कि मेरे वालिदैन में से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कभी भी किसी ने गुनाह जिना नहीं किया है। ये नसब इस चीज़ से पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नस्ल को ऐसा बनाया है कि पाक पुश्तों से पाक रहमों तक होते हुए ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया है। और आज हम आपके सामने बयान करेंगे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब वालिद साहब की तरफ से, और फिर उसमें जो लोगों में गलतफहमियाँ हैं उसको भी बयान करेंगे हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब, जो आलम के तमाम नसबों में सबसे अफजल और आला और बरतल है और बेहतर है, वो ये है कि सैयदना मौलाना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान, बुखारी शरीफ के अंदर बिन अदनान अदनान तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब लिखा हुआ है। हाफिज इबन हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने अपनी जामे सही में नसब शरीफ को नसब शरीफ के सिलसिले को फ़कत अदनान तक जिक्र फरमाया, जो मैंने आपके सामने भी बयान फरमाया, मगर अपनी तारीख़ में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जो है सिलसिला नसब को जिक्र फरमाया है। अब बहुत सारे उलमा से आपने सुना होगा कि वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक बयान करते हैं, उसके ताल्लुक से मैं आपको क्या बताता हूँ, चंद बातें आप समझें। पहली बात तो ये कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आपका सिलसिला नसब हज़रत अदनान तक तो सभी नसब बयान करने वालों के नज़दीक मुसल्लम है, सब ये बात मानते हैं कि सिलसिला नसब अदनान तक इसी तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ, इस तरह अदनान तक सब के नज़दीक मुसल्लम है। दूसरी बात ये भी सब के नज़दीक काबिल तस्लीम है कि अदनान जो हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से, ये बात भी सबके नज़दीक मुसल्लम है, तयशुदा है। लेकिन इस इख्तलाफ इस बात में है कि हज़रत अदनान से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक सिलसिला नसब में कितने लोग हैं। बात 30 जो है पुश्तों को बताते हैं, बाज़ कहते हैं 40 लोग हैं, एक कौल ये बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर अदनान तक इस दरमियान में 30 पुश्ते हैं और बाज़ कहते हैं 40 हैं। मैं आपको बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं हमसे सिलसिले नसब के बारे में। हज़रत अब्दुल्लाह इबन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना नसब शरीफ बयान फरमाते तो अदनान तक रुक जाते और अदनान से तजावुज़ न फरमाते, और फिर यूँ फरमाते कि नसब बयान करने वालों ने गलत कहा, यानी अदनान के बाद आप बयान ही ना करते
और ये कहते हैं कि जो लोग आगे बयान करते हैं उन्होंने सही नहीं कहा, क्योंकि उनका इनको इल्म नहीं है। वजह यह है कि यानी उनको इस सिलसिले की तहकीक नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत को तिलावत फरमाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वह आयत यह है, वाद व समूद वल्लदीन मिन बादिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, आद और समूद और उनकी बाद की कौमें, उनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। यानी फिर और आगे हज़रत यही रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे फरमाते हैं कि नसब बयान करने वालों ने गलत कहा। यानी नसब बयान करने वाले जो हैं, जो नसब बयान करते हैं वो अटकलें मारते हैं और वो ये कहते हैं कि हमको सभी के नसब का इल्म है, ये बात सही नहीं है। उनको इल्म नहीं है सब के नसब का, और बल्कि जो है उन लोगों को जो हज़रत अदनान तक बयान करते हैं वहाँ तो तयशुदा बात है, आगे जो बयान करते हैं वो अपने इल्म से बयान करते हैं, उसकी कोई तहकीक नहीं है। सही न जो है नसब सिलसिला नसब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है। तो यहाँ ये बात मालूम हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी अपने सिलसिला नसब को अदनान से आगे बयान नहीं किया, तो लिहाजा हमें भी अदनान से आगे तजावुज़ नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ उलमा बयान करते हैं तो उन पर नकीर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हज़रत इमाम बुखारी ने ही अपनी दूसरी किताब तारीख की किताब में उसको आगे तक बयान किया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, लेकिन वो इख्तलाफी है। और क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान नहीं किया और मना किया कि नसब बयान करने वाले गलत कहते हैं, अपनी तरफ से ऐसे ही कहते हैं, तो नहीं बयान करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे तो उस पर सख्ती नहीं करना चाहिए। बहरहाल सही बात यह है कि अदनान से आगे सिलसिला नसब बयान नहीं करना चाहिए। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने एक सवाल किया था। हज़रत अल्लामा सुहैली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि अगर कोई शख्स अपना सिलसिला नसब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाता है तो उसका ये पहुँचाना कैसा है, तो आपने इसको नापसंद फरमाया। फिर यही सवाल हुआ कि अगर कोई शख्स अपना सिलसिला नसब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाता है तो ये कैसा है, तो उसको भी उन्होंने नापसंद फरमाया। और ये कहा, मैं युखबिरु, इसको इस बात की खबर किसने दी, यानी या तो उसको खबर होना चाहिए, उसके पास सिलसिला नसब महफूज होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह ऐसे दावे ना करे। इसी बात की बिना पर मैं आज भी अपने दौर के तमाम मुसलमानों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई अपना सिलसिला नसब जैसे आजकल चल रहा है मार्केट में, कोई भी कह देता है कि मैं आले रसूल हूँ, कोई भी कह देता है कि मैं फ़लाँ खानदान का हूँ, कोई कहता है मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह तआला के खानदान का हूँ, कोई अपने को किसी सहाबी के खानदान का बताता है, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए उसके पास ये दावा करने के लिए सिलसिला नसब महफूज होना चाहिए कि वो अपने बाप दादा को इसी तरह जोड़ते हुए या तो किसी सहाबी तक ले जाए तब वो ये दावा करे, वरना उसके लिए यही बात है जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, मैं युखबिर भी, उसको ये बात किसने बता दी और किस बुनियाद पर बता दी। तो लिहाजा इस तरह अपने नसब को ऐसे ही किसी की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए, अगर ये गलत मंसूब कर दिया तो फिर ये गुनाह भी होगा। ये तो बता दिया मैंने आपका सिलसिला नसब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद साहब की तरफ से इस तरह है। अब आपको बताते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब वालिदा की तरफ से, ननिहाल की तरफ से किस तरह है। वो इस तरह है, मोहम्मद बिन आमिना बिन तवाब बिन अब्द मुनाफ बिन जहरा बिन किलाब बिन मुर्रा। किलाब पर जाकर दोनों सिलसिले मिल जाते हैं, इधर से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का सिलसिला चल के किलाब पर पहुंचता है, और इधर से चलकर भी किलाब पर पहुंचता है, फिर आगे ये अदनान तक सीधा पहुंचता है। तो किलाब पर जाकर दोनों सिलसिले जो हैं मिल जाते हैं। अब जो चंद नाम आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अदनान तक, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ, इससे लेकर अदनान तक जो नाम आए हैं, इंशाल्लाह अगली क्लिप में हम इन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद हैं इनके बारे में चंद बातें आपके सामने थोड़ी थोड़ी जिक्र फरमाएंगे, कुछ अब्द मुनाफ के बारे में, कुछ हाशिम के बारे में, कुछ अब्दुल मुत्तलिब के बारे में, इन हजरात के बारे में भी अगर कुछ बातें आपको बयान कर दी जाएंगी तो ये नामुनासिब नहीं होगा। तो ये आज की क्लिप शुरू है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो चीज़ सबसे अहम थी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब वो बयान कर दिया, फिर उसके बाद आपके वालिदैन आपके आबा अजदाद के बारे में चंद बातें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये चलते चलते आपके सामने इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल सीरत को बयान कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।